जानकी, जानकी आप अभी अभी आए क्या? हाँ हाँ हाँ, मेरे सीएम बनने का सपना बस अब पूरा ही होने वाला है। दिल्ली में बैठे सभी नेता मेरा साथ देने वाले हैं। हाँ हाँ, सबके पॉकेट आप गर्म रखोगे तो फेवर तो करेंगे ही ना। तुम अपना मुंह बंद रखो। देखो जानकी, हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय इंचार्ज हैं, वो हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए बिल्कुल बेताब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन वो तो गुजराती है ना। अरे वो कोई बड़ी समस्या थोड़ी ना है। कल जब शादी हो जाएगी तो वो लोग तेलुगु सीखेंगे और हम लोग गुजराती सीखेंगे, और हमारे बेटा बेटी वो लोग इंग्लिश में संसार बसा लेंगे। सर, जैसे ये शादी कन्फर्म होगी आपका सीएम बनना पक्का हो जाएगा, ये बात अपने बेटे को भी बता दीजिए। हाँ हाँ, अपना संदीप कहाँ है? कॉलेज गया हुआ है। अगले महीने उसकी शादी है, जैसे ही वो आए उसे बता देना। उसे एक बार पूछ तो। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कहता हूँ बस उतना ही करती जाओ। फैसला हो चुका है, बस एंगेजमेंट और शादी करना बाकी है। हे पिए, चलो। मैं उषा के अलावा और किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। तुम्हारे पिताजी कैसे, तुम्हें अच्छे से पता है ना? आपको मेरे बारे में और मेरे प्यार के बारे में पता है ना माँ? जानते हुए भी गलती करने की आदत तुम्हारे पापा की है, पर सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है माँ, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद देने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती बेटा, कुछ नहीं कर सकती। का लड़का किसी लड़की के साथ भाग रहा है। उस लड़की को छोड़ने के लिए कहा तो हमें ही छोड़कर जाने की गुस्ताखी कर रहा है। वो शहर के बाहर ना जाने पाए, मेरे बेटे को सलामत घर लेकर आओ और वो लड़की जिंदा ना बचे। ए, उसकी हत्या आत्महत्या लगनी चाहिए। ठीक है मालिक। ए, क्या कोई है बाहर? छोटे मालिक, आपके पिताजी ने आपको ले जाने के लिए भेजा है। छोटे मालिक, जल्दी करो। चल शहर पिला, शहर पिला, जल्दी शहर पिला। ए मुखर ला दे, पूरा ला दे। जल्दी चल, जल्दी चल, वहां तक भागेगी। हमसे बच नहीं पाएंगे। देख कर नहीं चला सकते क्या? ये तो शंभू है, छुप जा, छुप जा। तुम्हें क्या हुआ बेटी, ये हालत किसने की? मेरा नाम उषा है, मंत्री पाल रेड्डी का बेटा संदीप और मैं बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करने जा रहे थे और उसी वक्त पाल रेड्डी के गुंडे संदीप को लेकर चले गए और मुझे मारने के लिए जहर मिला दिया। उन्हीं लोगों से पीछा छुड़ा कर भाग कर आ रही हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। इस लड़की को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। शंभु प्रसाद पाल रेड्डी, एक लड़की को नहीं मार पाए तुम लोग, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम लोग? ये कितना महंगा पड़ेगा मुझे तुम्हें पता है? जीजा जी,
वो लड़की जिंदा बच गई क्या? हाँ, इस लड़की के बचने का टेंशन नहीं है, टेंशन इस बात का है कि शंभू प्रसाद के लिए वो मिसाइल बन गई है, यही प्रॉब्लम है। इससे पहले कि वो उस लड़की को पुलिस स्टेशन तक लेकर के जाए, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। वो अभी ICU में है, किसी को पता चलने से पहले ही मॉर्चरी में शिफ्ट कर देता हूँ जीजा जी। और फिर मैं जेल में चला जाऊँ? ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसे तो ऐसा मत कीजिए, ये आपका इकलौता बेटा है। इसीलिए इसे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इकलौता बेटा है। उषा बहुत अच्छी लड़की है पापा। छी, वो बंद कर। अगर वो इतनी अच्छी लड़की है तो शादी से पहले तुझसे संबंध क्यों बनाया? ऊंचे कुल और बड़ी जाति का है तू, छोटे कुल और नीची जात की है वो। समाज में अपनी जगह भूल कर अगर तूने ये रिश्ता बनाने की कोशिश की तो अपने हाथों से तुझे मुखाग्नि दूंगा। दीदी इसे लेकर जाओ यहाँ से, ऊपर ले जाओ। दीदी अंदर चल बेटा। तुझे अंदर। जीजा जी उस लड़की का क्या करना है जल्दी बोलो। इस वक्त अपनी समस्या वो मर रही लड़की नहीं है, समस्या है वो विरोधी शंभू प्रसाद। हमारी इस परिस्थिति का वो कोई राजनीतिक लाभ न उठा पाए, हमें ये सोचना होगा। APA सर, वकील को फोन करो। सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। वो लड़की अब तक कोमा में है, इसलिए उस शंभू प्रसाद ने अब तक फुल स्टॉप नहीं लगाया, कोमा डालकर चुपचाप बैठा है वो। जैसे ही वो लड़की कोमा से बाहर आएगी ना, वो मजिस्ट्रेट के सामने उस लड़की का बयान करवा कर तुम्हारी लाइफ की कुंडली को बिगाड़ कर रख देगा। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, ये बात तो मुझे पता है, तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। आपके बेटे ने उस लड़की से प्यार करके शादी से पहले उसे माँ बना दिया। अगर वो लड़की मरी तो पता चल जाएगा कि उसके बच्चे का बाप तुम्हारा बेटा है, क्योंकि शंभू प्रसाद बार बार DNA टेस्ट की डिमांड कर रहा है। उस लड़की की मौत और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत की वजह वही है, ये साबित करने के लिए उन्हें किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर उस लड़की को कुछ भी होता है तो शंभू प्रसाद आपके पीछे नहा धो के पड़ जाएगा। जानता हूँ, तभी तो तुम्हें बुलाया हूँ। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है, आगे क्या करना है ये बताओ। तो याद रहे, जैसे ही वो लड़की मरती है इस प्लान को एग्जीक्यूट कर देना। पूरी तरह फैल गया है। इसका बचना बहुत जरूरी था डॉक्टर, पूरा होपलेस कंडीशन था सर। वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। आई एम सॉरी सर। पिछले 3 दिनों से हॉस्पिटल में अपनी मौत से लड़ रही और जिंदगी से जूझ रही उषा, आज सुबह आखिर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी शंभू प्रसाद जी से पूछकर बताएंगे। सर 1 मिनट सर, उषा आप नहीं रही, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सच में बहुत दुख की बात है सर। पहले आपने आरोप लगाया था कि उस लड़की के हादसे की वजह हमारे शहर के नेता बाल रेड्डी हैं। अभी वो लड़की अपना बयान देने से पहले ही मर गई। अब इस बारे में आप क्या करेंगे? मुझे क्या करना है पता है मुझे, उन दुष्टों को जेल में डालूंगा और अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। आपको यकीन है कि ऐसा होगा? हाँ जरूर होगा, उसके गुजर जाने से कहानी खत्म नहीं होती। उस लड़की का DNA टेस्ट करवाऊंगा, उससे ये बात तय हो जाएगी उस लड़की के पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है। उसे सजा दिलाऊंगा, और उसे ही नहीं जो भी इसमें शामिल है उन सबको मैं सजा दिलाऊंगा। बिल्कुल, हमने गलती की है, हमें सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहना सिर्फ उस शंभू प्रसाद का है, उसकी इन सब बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून को अपना काम करने दीजिए, ऐसी बात भी मैं नहीं कहूँगा। मैं कानून की इज्जत करता हूँ, मुझे कानून पर भरोसा है, क्योंकि मैं इंसान ही ऐसा हूँ, आप सब तो जानते ही हैं। इससे पहले भी कई बार मेरे और मेरे पार्टी के लोगों पर इससे बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं, तो मैं कभी डरा हूँ क्या? सिर्फ DNA टेस्ट के लिए ही नहीं, मेरे बेटे को जहाँ बोलोगे वहाँ भेजूंगा मैं। Oh!
शहर का हर व्यक्ति उषा मर्डर केस का फैसला जानना चाहता है। अब से थोड़ी देर बाद जज साहब इस बारे में फैसला सुनाने वाले हैं। अब तक इस केस में लुका छुपी का खेल चल रहा था। प्रोसिक्यूशन और वकील की आज बहस होने वाली है उस खबर को लेकर जिसमें फॉरेंसिक लैब के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई है, जिसे देखकर आज जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले हैं। विपक्ष के नेता शंभू प्रसाद जी ने कहा था कि मंत्री बाल रेड्डी और उनका बेटा संदीप दोषी है, लेकिन हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है। ऐसा कहने वाले मंत्री बाल रेड्डी निर्दोष है या नहीं, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फैसला सुनाए जाने के बाद यहाँ दोनों गुटों के बीच कोई झगड़ा ना हो, इसलिए कोर्ट के बाहर पुलिस का बहुत सख्त बंदोबस्त किया गया है। इस केस में सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद प्रोसिक्यूशन के द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों को अच्छी तरह से जांच करने के बाद, डीएनए के रिपोर्ट्स देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के समय उषा जो गर्भवती थी उसमें संदीप का कोई हाथ नहीं है। संदीप निर्दोष है। कोर्ट का ये भी मानना है कि उषा की हत्या में मंत्री बाल रेड्डी का कोई हाथ नहीं है। इन लोगों पर लगाया गया इल्जाम हटाया जाता है। ये कोर्ट आदेश देती है कि उषा को गर्भवती करने में और उसकी हत्या करने में जिसका हाथ है उसे गिरफ्तार किया जाए। जीजा जी, आपने देखा था जब ये शंभू प्रसाद कोर्ट में आया था तो कितना कर रहा था, अब तो हमसे ये आके भी नहीं मिला पा रहा है बेचारा। वो हारेगा तो आंखें क्यों मिलाएगा, उसके लिए तो आदत बन चुकी है। क्यों भाई शंभू, बार बार हार कर भी तुम बोर नहीं हुए हो, लेकिन मैं तुमसे जीत जीत कर बोर हो गया हूँ। बाल रेड्डी, अधर्म की उम्र कम होती है, पहले वो ही जीतेगा, मगर धर्म की उम्र ज्यादा होती है, इसलिए आखिर में जीत उसी की होगी। जीतेगा कैसे, वो निर्दोष है, इस बात का फैसला तो कोर्ट दे चुकी है। ना वो निर्दोष है, ना ही तो एक सच्चा वकील है। और हाँ, शायद तुम लोगों ने कोर्ट के फैसले को ठीक से नहीं सुना है। उषा की हत्या हुई है और असली गुनहगार को पकड़ने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। अभी तो तुम लोग छूट गए, लेकिन एक दिन ये कोर्ट तुम्हारा फैसला करेगा। शंभू, ज्यादा चिल्लाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों बेवकूफी कर रहा है, इनसे हाथ मिला ले फायदे में रहेगा। शंभू, तुम अपोजिशन में हो, मेरी पोजीशन क्या है ये जानकर बात करो। तेरा पोजीशन मुझे नहीं पता है क्या? असल में तू पॉलिटिशियन नहीं है बालटी, एक मैजिशियन है। मैजिशियन सामान को गायब कर देते हैं और तुम सबूत को गायब करते हो। वो लोग पेट के लिए काम करते हैं, तुम जनता के पेट पर लात मारते हो। मैं तुम्हें नहीं जानता क्या? जीने के लिए खाओ मगर लोगों को मार कर नहीं। शंभू, मेरे जीजा जी को कुछ मत कहना वरना गुस्से में आने की जरूरत नहीं। साले साहब, ये छोटा सा कुआं समुद्र से अपनी तुलना कर रहा है, इसे समझाना हमारा धर्म है, नहीं समझना इसका कर्म है। देखो शंभू, इस तरह के कितने भी केस करके दिखा दो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ए, मुझे दूसरे केस की जरूरत नहीं, मैं इसी केस को जीत कर दिखाऊंगा। क्या कर लोगे तुम, कमिश्नर के पास जाओगे, उसे वही रुकवा देता हूँ। अगर कमिश्नर को बताओगे तो उसे कमीशन देकर खरीद लूंगा। तेरे पहचान वाला कमिश्नर अलग है, जो शायद तेरे टुकड़ों पर पलता होगा, पर अब इस केस को देखने वाला कमिश्नर अलग है। शंभू, जीत मेरे घर के दरवाजे की तरह है, जो सिर्फ मेरे ही इशारों पर खुलता है। बाल रेड्डी, तू एक बात भूल रहा है, न्याय मेरे रग रग में है, जो मेरे नाम से भी जुड़ा है, ये याद रखना। आई एम वार्निंग यू, तुम उस ऑफिसर के बारे में नहीं जानते हो, वो न्याय के लिए लड़ने वाला डायनामाइट है। उसे ये केस देने में देरी जरूर हुई, लेकिन सॉल्व होने में देर नहीं लगेगी। इस केस में जीत हमारी ही है, उसे फेस करने के लिए तुम तैयार रहो। डीसीपी रुद्रा रिपोर्टिंग सर। यो वेलकम मिस्टर रुद्रा, प्लीज बी सीटेड। Thank you, sir. Congratulations. You're appointed in crucial and most complicated case of Usha. All the best. Thank you, sir. Sir, excuse me. One question, sir. Saptagiri, Yadgiri, kahan hai? Wo kaun hai, sir? Doordarshan ke channel.
वो चैनल नहीं है, मीडिया नहीं है क्या? वो तो ठीक है सर, लेकिन राज्य में उषा मर्डर केस के बारे में लोग जानना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तुम्हें भी समझ में नहीं आया क्या? आप कहना क्या चाहते हैं सर? लोग जल्दी नहीं समझते क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। आप लोग मीडिया वाले हैं ना? कौन क्या समझता है क्या नहीं समझता उसे आप रहने दीजिए। इस केस में आप क्या करने वाले हैं? आपको क्या लगता है इस केस में किस किस का हाथ है? जस्ट अभी मुझे चार्ज मिला है तो मैं अभी से चार्ज शीट बता दूं क्या? वो नहीं सर, इस केस के बारे में। इस केस के बारे में आप लोग ज्यादा जानते हैं। उषा के मर्डर के बाद आप लोगों के ही चैनल ने इस केस में मंत्री बाल रेड्डी का हाथ बताया था। शंभू प्रसाद ने ऐसा आरोप लगाया था। तब आप ही लोगों ने जनता का ओपिनियन नहीं मांगा था क्या? हाँ सर। तब 70% लोगों ने यस कहा था और कोर्ट ने नो कहा। हाँ? तो फिर कोर्ट के इस फैसले पर आप लोगों ने अपना कोई ओपिनियन क्यों नहीं दिया? कोर्ट एक्शन लेगा इसलिए डर गए थे ना? सर इस केस के बारे में आप कुछ कहने वाले हैं कि नहीं? आप लोगों को एक बात बता दूं, अपने चैनल्स में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाओ, जनता को भरोसा हो जाएगा और गुनहगार कांपने लगेंगे। पाशा गाड़ी स्टार्ट करो। बेटी अभी तक घर में नहीं आई तो मैं टेंशन में हूँ और आप राक्षस की तरह बेफिक्र होकर खाने के लिए बैठ गए। क्या ये लो, मैं खा रहा हूँ क्या? अरे रे रे, मैं तुझे खाता हुआ दिख रहा हूँ क्या? तो आप ही बताइए आप क्या कर रहे हैं? शांता शांति शांति, आओ यहाँ आकर आराम से बैठो। आओ बैठो। गुड, ऐसे चिल्लाओगी तो बीपी बढ़ जाएगा ना। बेबी आ गई क्या? बेटी की फिक्र ना करते हुए आप खाए जा रहे हैं ये देखकर मेरा बीपी बढ़ रहा है। काजू खाओगी तो फैट बढ़ेगा, स्वीट खाओगी तो शुगर बढ़ेगा, बूंदी खाओगी तो बीपी चढ़ेगा। ये छोड़कर आप पीके को फोन कीजिए और देखिए हमारी बेटी के लिए रिश्ता मिला। शांता 100 बार फोन कर चुका हूँ, वो फोन उठाता ही नहीं है, अब मैं नहीं करने वाला हूँ। जरूरत हमें है, वो भले ही फोन ना उठाए पर हमें फोन करते रहना है। आप एक बार ट्राई कीजिए ना। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं करता हूँ, तुम जाओ। अरे वो क्यों लेकर जा रही हो? पहले फोन करो। हेलो, पवन कल्याण है क्या? मेरा नाम पवन कल्याण नहीं है, पवनम कल्याणम है। अच्छा ये बात है? हाँ जी, मेरा सरनेम पवनम और नाम कल्याणम। तो तुम्हारी डिमांड क्या है, वर चाहिए या वधू चाहिए? हमें वर चाहिए, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा मैच फिक्स कर दीजिए। देखो मेरा कॉन्सेप्ट मैच फिक्सिंग नहीं है, मैरिज फिक्सिंग है। ठीक है ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप है क्या? मैं अपनी बेटी का फोटो भेजता हूँ। देखो फोटो के कॉन्सेप्ट पे मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि आजकल ग्राफिक्स के साथ ग्लैमर को मिक्स करके परोस देते हैं सब, इसीलिए मैं लड़की को डायरेक्ट देख कर मेड फॉर ईच अदर जैसा एक अच्छा वर्ड ढूंढूंगा। अच्छी बात है, अगर आप एक बार हमारे घर आ जाते तो मैं अपनी बेटी को आपसे मिलवा देता। लड़की कैसी है पहले ये तो थोड़ा बहुत बताओ, अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैं वहाँ जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इस पंडित का दिमाग सही है या खराब हो गया है? ठीक है सुनिए, लड़की का हाइट 5.7 है, वेट 5.7। पर्सनैलिटी तो ठीक ही लग रही है पर फीचर्स के बारे में बताओ। हा? क्या? उसकी आईज, उसका नोज, उसके लिप्स और टोटल फेस बताओ। एकदम चांद की फोटोकॉपी। आज के मॉडर्न जमाने में भी तुम मंदिर में साड़ी पहन कर आई हो, ये देखकर मन प्रसन्नित हो गया। हेलो, तारीफ करोगे तो मैं पैसा थाली में डालूंगी ऐसा सोच रहे हो? पैसा दान पेटी नहीं डालूंगी, वो सब छोड़िए, मेरी इच्छा भगवान को बताते हैं ना? हाँ बताता हूँ ना, यही तो मेरा काम है। तो भगवान ने क्या कहा ये तो आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। वही, मेरा नाम गौरी है, डॉटर ऑफ मिलिट्री, सब कुछ सही होना चाहिए। हेलो, ट्रैफिक एसआई को टक्कर मारोगी क्या? क्या नाम है तुम्हारा, गाड़ी का नंबर क्या है? हेलो सर, पहले मेरी बात सुनिए, आप तो ऐसे गाड़ी चला रहे हैं जैसे ये हाईवे हो, ये वन वे है। तुम्हारे जैसों के लिए। और आप लोगों के लिए? ट्रैफिक इंस्पेक्टर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करे तो भी ठीक है। अच्छा, तो फूड इंस्पेक्टर खाना नहीं खाएगा तो चलेगा क्या? ऐसे लॉजिक्स मुझे मत सुनाइए। पूरा राउंड बार कर आने में ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा। तो फिर आप गाड़ी यही रख कर पैदल चले जाइए। बहुत दूर है जी। यही रीजन अगर हमने दिया तो 500 फाइन लगाते हैं। प्लीज 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 मैडम, जाने दीजिए ना। नो एक्सक्यूज, मेरा नाम गौरी है, जॉइन अप मिलिट्री, गो बैक। अपने सुबह सुबह लड़ता अपनी बीवी की शक्ल देखकर मैं उठा था, दिन ही खराब। यस, क्या पीके जी, ये आपको फोन करते हो तो आप उठाते क्यों नहीं? मैंने फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी था। बिजी था या बिजी दिखा रहा था? बिजी था, दिखा नहीं रहा था, मेरे बिजनेस का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं। आप आए ठीक है, लेकिन कल वो लोग आ रहे हैं कि नहीं? वो लोग भी आने के लिए तैयार हैं। आपकी बेटी अगर एक बार हाँ बोल दे तो वो लोग कल ही आ जाएंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होगा। गौरी यहाँ आओ।
तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ है ना माँ, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए क्यों यूज करूँ? क्या बात है, आप ही से बताइए पीके जी। कुछ नहीं बेटी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। लड़के का जॉब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि वो वॉशिंगटन में बड़ी पोस्ट पर है। सैलरी कॉन्सेप्ट है 50,000 पर मंथ। अब अगर तुम हाँ बोलती हो तो फिर वो लड़का भी हाँ बोलेगा। उसके नेक्स्ट मंथ मैरिज होगी बेटी, उसके बाद तुम अमेरिका जाओगी। इसी कॉन्सेप्ट के अप्रूवल के लिए वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। इतनी सी बात अंकल? हाँ बस इतना ही। कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ माँ, आप लड़के को बुला सकते हैं। पीके जी आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, कैसे भी करके रिश्ता पक्का कीजिए। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा मुझे। आपकी बेटी शायद टाइम पास के लिए ओके बोल गई। मीटिंग होने तक तो सब ठीक है, लेकिन मैरिज फिक्स होने के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। ओहो, ये शादी ऊपर डिसाइड होगी, ऐसा कॉन्सेप्ट बताकर जा रहे हैं पीके जी। बेटी तो बेटी, ये भी सुभान अल्लाह, आप सब कुछ आपके हाथ में है भगवान। ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस इंडिया के हर राज्य में फैला हुआ है और मेरे बेटे ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और अमेरिका में सेटल हो गया है। मैंने देश पर राज किया और मेरा बेटा विदेश में राज कर रहा है। ओहो, ये तो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अच्छा ये बताइए, आपका लड़का अमेरिका में रहता कहाँ है और करता क्या है? वॉशिंग मशीन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करते हुए वॉशिंगटन में सेटल हो गया है। वॉशिंगटन में वो वॉशिंग मशीन बेचता रहता है? अंकल उन्हें मैं नहीं बेचता, नॉनसेंस, उसके लिए मैंने लोग रखे हैं। इनके बातों में मत आओ बेटा, पीके जी इन्हें हमारे बारे में बताइए। दहेज के कॉन्सेप्ट में 25 लाख हार्ड कैश, गिफ्ट कॉन्सेप्ट में कार और ये घर, आप जो भी मांगेंगे उसके लिए वो तैयार है। अगर डिमांड में कोई और कॉन्सेप्ट है तो आप लोग खुद ही बात कर लीजिए। तो इसका मतलब कैश बहुत कम दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, हमारा एक ही बेटा है, आपकी भी एक ही बेटी है, आप जो भी देंगे हम खुशी खुशी ले लेंगे। आप जो कुछ भी दे रहे हैं अपने बेटे और बेटी के लिए तो दे रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं जी। बेटा लड़की से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। देखिए मुझसे पूछेंगे तो लड़की मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मुझे इनसे कोई सवाल नहीं पूछना। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। क्या मैं फ्रैंकली बात कर सकती हूँ? Why not? Sure. आपका खुद का घर है? या यहाँ नहीं वहाँ अमेरिका में? नो। कार? या यहाँ पर नहीं वहाँ? नो। गर्लफ्रेंड्स है क्या? नो, वहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। मतलब आपके फ्रेंड्स में कोई गर्ल्स नहीं है? नो, मैं किसी लड़की से दोस्ती नहीं करता हूँ। वाइफ के साथ भी नहीं? हाँ? गौरी, मेरे दोस्तों में बॉयज हैं और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। इन सब के अलावा मेरा एक लवर भी है। कल हमारी शादी होकर अमेरिका जाने के बाद तुम्हें उसे वीजा दिलवाना होगा। वो क्या है, तुम तो ऑफिस चले जाओगे तो फिर मेरा टाइम पास कैसे होगा? ये सब मंजूर है तो बोलो। आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो? अब तक नहीं समझी माँ, तुम मैच मेकर को बदलोगी तभी मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मैं क्या बोलूँ जी, उस लड़के के बाप ने ऐसी बातें की तो जब वो अमेरिका जाएगा तब भी ऐसी ही बातें करेगा, ये सोचकर हमारी बेटी ने उसे भगा दिया। इसने गलत क्या किया? आप लोग कौन है? कल जिन्होंने एडवांस दिया था आपके घर में यही लोग रहने वाले हैं। एक मिनट। हाँ ओके, तो मैं आता हूँ सर। जा रहे हो तो फिर क्यों आओगे? सर मैं जा ही रहा हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, एक बार जाओगे तो आओ मत। पाशा तुम जाओ। ठीक है सर। आइए। ओ बैचलर्स हो क्या? या ये रहा हॉल। वाह बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने डैड से कहा था कि बैचलर्स को भाड़े पर मत रखो। उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं। तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलते? आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। यहाँ पर बैचलर्स वाली हरकतें बिल्कुल मत करना। इसका मतलब क्या है? मतलब दारू पीना, सिगरेट पीकर धुआं उड़ाना, ये सब करोगे तो सामान लेकर बाहर जाना पड़ेगा। कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, घर में कोई भी नहीं है ऐसा लगना चाहिए। अच्छा ठीक है। वो ज्यादा बात नहीं करते क्या? मुझे ज्यादा बोलना और ज्यादा बोलने वालों से नफरत है। बाप रे, तो अब करते क्या हो? सर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। तुम्हें एक बात बता दूं, मैं पुलिस से बिल्कुल नहीं डरती। डरने के लिए किसने कहा? कहोगे तो भी नहीं डरूंगी। फाइनल कंडीशन सुनो, वाटर लिमिट में यूज करो और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो। जरा संभल कर बात करो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? आशा बॉस दरवाजा बंद करो। जी बॉस। ए हेलो, क्या कर रहे हो? मैं भी तो यहीं पर हूं। उनका मतलब है आप बाहर जाओ। अभी तो जाती हूँ पर बाद में देख लूंगी तुम्हें। ठीक है। ओ बॉस इस लड़की की स्पीड तो कुछ ज्यादा ही है। हाँ, आया आया। गुड मॉर्निंग सर।
वेरी गुड मॉर्निंग। तुम सब लोग मेरे स्पेशल एजेंट हो, इसलिए डिपार्टमेंट में तुम्हारा कोई बायोडेटा नहीं है। सीक्रेट मिशन के लिए तुम लोगों को अपॉइंट किया गया है। अब जरा इस केस की बात करते हैं। इस राज्य का एक बहुत बड़ा नेता बाल रेड्डी और न्यायाधीश शंभु प्रसाद इन्वॉल्व है, ऐसी बातें हो रही हैं। अगस्त की 22 तारीख को उषा नाम की एक लड़की को जबरदस्ती जहर पिलाया और इस हत्या को एक आत्महत्या का रूप दिया गया। इसका कारण है बाल रेड्डी के बेटे और निशा का प्यार। बाल रेड्डी की राजनीति के लिए यह हादसा एक नासूर बन गया है। बहुत ही जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, लीगली उसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसने इस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया है। उसे जबरदस्ती पॉइजन पिला दिया गया, लेकिन उसी वक्त लड़की का बच निकलना और शंभू प्रसाद से मिलना बाल रेड्डी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। उस लड़की को बचाने के लिए शंभू प्रसाद ने जी जान से कोशिश की। शंभू प्रसाद के हिसाब से बाल रेड्डी का बेटा ही असली अपराधी है, लेकिन इस मामले के सारे सबूत, सारे गवाह, ऑल लीगल प्रोसीजर्स रेड्डी के बेटे को निर्दोष साबित कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। सो आप बताइए कि इस केस को हमें कैसे डील करना है। सारे सबूत और सारे लीगल प्रोसीजर्स उनकी तरफ हैं, तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा सर। मेरे हिसाब से अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी की भी जान लेने की सोचना गलत बात है सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक आइडिया दो बॉस, जैसे किसी की बुरी आदत जानने के लिए उसके डस्टबिन को चेक करते हैं, वैसे ही इन पैसे वालों को पकड़ने के लिए उनके चमचों को पकड़ना पड़ेगा। क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं सर? यस, यू आर राइट। पाशा जी। हाँ बॉस। बाल रेड्डी के आदमी लोग कब, कहाँ और किस ढाबे पर जाते हैं इस बात का पता कर और उनमें मिल जा, मतलब उन्हें फॉलो कर। हाँ। सुन वो लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी सारी की सारी हरकतों पे नजर रख, ठीक है। हमारे काम का कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मुझे फौरन बता। जी बिल्कुल। किशोर सर, अगस्त 22 से लेकर 24 तक उषा, संदीप, बाल रेड्डी, सत्या, इन सब के कॉल डिटेल्स पता कर। आदित्य सर, इसमें जो पीए इन्वॉल्व है ना, उसके भी सारे कॉल डिटेल्स पता कर दू। सुरेश सर, उषा जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, जिस हॉस्टल में रहती थी, वहाँ उसके फ्रेंड्स से मिल, उनसे पूछ वो पहले कभी किसी से प्यार करती थी या कॉलेज में कभी किसी ने उसकी रैगिंग की थी क्या। मुझे सारे के सारे डिटेल्स चाहिए, और याद रहे तुम सब मेरे आदमी हो, ये बात किसी को भी पता ना चले। बी केयरफुल। ए वकील, यहाँ आते आते ही उस रुद्रा ने मीडिया वालों को तो झलकी दे दी, हमारे सामने भी ऐसी झलकी पेश करेगा। आपके सामने कैसी भी झलकी पेश करे, उसे रिवर्स करने का मैजिक मेरे पास है सर। किसी भी तरह की झलकी आने दो, ऐसा क्या मैजिक है तुम्हारे पास वकील? बड़े बुजुर्गों की कहीं नहीं पता, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। आप कहते हो कि आपका साला माफिया किंग है, इसे देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। मेरे साले की बातों को दिल पर मत लो, पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। उस रुद्रा के बारे में कुछ पता किया है कि नहीं? वो रुद्रा बहुत जिद्दी है, प्रेशर से डरता नहीं है और किसी से मिलता नहीं है। वो नहीं मिला तो क्या हुआ, उसकी टीम में से किसी को भी पकड़ कर उससे बात करने के लिए कहा था ना। उस रुद्रा के हर कदम की जानकारी हमें होनी चाहिए। चार्ज लेने के बाद कोई दूसरा ऑफिसर ना आया ऐसा कह रहे हैं? उसकी टीम में कौन है ये कमिश्नर को नहीं पता, डिपार्टमेंट में किसी को नहीं पता। कौन है वो रुद्रा? आफ्टर ऑल आईपीएस है, वो भी एक डिप्टी कमिश्नर। अच्छा ये बताओ कि अगर वो रिपोर्ट ये बिना घूम रहा है तो कमिश्नर क्या कर रहा है, डीजीपी क्या कर रहा है, और तो और होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? शो कॉज नोटिस देकर के इस चैप्टर को बंद करने के लिए उसे इस केस से हटा देना चाहिए ना। वो ना किसी की सुनता है ना किसी से डरता है, उसने अब तक जितने भी केस हाथ में लिए हैं वो सब जीता, यही रिकॉर्ड है उसका। तुम्हारी बातें सुनकर के मेरा बीपी बढ़ रहा है, उस रुद्रा के बारे में तारीफ करना बंद करो। उसके बारे में सच बता रहा हूँ तो तारीफ समझ रहे हैं, अगर तुम्हारे बारे में सच बताया तो गाली समझोगे क्या? जीजा जी, अभी इस केस से हमें कोई लेना देना नहीं, अगर उसे मार भी दिया तो इल्जाम हमारे ऊपर कैसे आएगा? ये मुझसे क्यों पूछ रहा है, इस लॉयर से पूछो। जवाब दे वकील। इस टाइम आपको किसी भी तरह का क्राइम नहीं करना चाहिए। आईपीएस ऑफिसर को मारने का मतलब आईपीएल मैच देखने जितना इजी नहीं है, खेलोगे तो पता चलेगा। साले बाबू। हाँ जी जी। इस लॉयर से कुछ नहीं होने वाला, उस पुलिस वाले रुद्रा के ऊपर अपनी नजर रखो, उसकी टीम में कौन है ये पता करो, उसमें से एक को पकड़ो और उस पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करो, वही सारी बातें बता देगा। ठीक है। तो बेकार है। बेकार है? किसने कहा ये बेकार है, तेरे बिना दुनिया के सारे काम रुक जाएंगे। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और जीने वालों को जीने का आहा। पीने वालों को बॉस ये लीजिए। मजा आ गया बॉस, ये चीज जिसने बनाई है ना उसे पकड़ के खत्म कर देना चाहिए। Thank you.
आगे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा बॉस। क्यों पाशा? इसे पीने से पहले मैं कितना अच्छा रहता हूँ ना बॉस, इसके बाद सुबह हैंगओवर, शाम तक इसके पास फिर आना पड़ता है। ए, तू जरा चुप रहेगा? ओके ओके। हेलो। और एक बैग डालू क्या बॉस? जो आया है वो तेरा बॉस नहीं है, घर का बॉस है। आप हैं? वार्निंग देने के बावजूद भी तुम लोग यहाँ ऐसे पी रहे हो, पुलिस हो इसीलिए क्या? जवाब दो। हाँ, बॉस आ गए। क्या है? नीचे एक फैमिली रहती है, ऊपर तुम लोग ऐसा करोगे तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें तुम परेशान करते रहोगे और वो कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या? तुम लोग पुलिस वाले हो तो मेरे डैड मिलिट्री वाले हैं। अगर ये बात उन्हें बता दी तो जैसे दुश्मनों को भगाया था वैसे ही तुम दोनों को भी यहाँ से भगा देंगे। कौन? तुम्हारे पिताजी? हाँ, मेरे डैडी। वो घर पर नहीं है इसलिए तुम दोनों बच गए, अगर वो घर पर होते उन्हें स्मेल मिलती तो वो खत्म कर देते। क्या इस ड्रिंक को? मजाक सूझ रहा है? मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें जोक सूझ रहा है? उनके घर आते ही तुम लोगों के कारनामे बताती हूँ उन्हें। तो जाओ पहले उनको बुला कर लाओ। किसी समझदार इंसान ने बहुत अच्छा कहा है कि प्यार की शुरुआत झगड़े से होती है। हाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन चिल्ला रही है? पाशा, नीचे क्या हुआ जरा देख तो। मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये बात है? अच्छा बताओ मम्मी डैडी कहाँ हैं तुम्हारे? मम्मी डैडी वो फंक्शन में गए। ठीक है। पाशा, फ्यूज उड़ गया क्या जरा देख। हाँ दिखता हूँ। बिजली आ गई। फिर से चली गई तो? अब नहीं जाएगी। अंधेरे में थोड़ा टेंशन हो जाता है। टेंशन मतलब थोड़ा सा डर। क्या बात, डॉटर ऑफ मिलिट्री को भी? हाँ लगता है। तू ज्यादा मत बोल, यहाँ से चलते हैं। अरे बॉस रुको ना एक मिनट, मेरे बॉस ने तुम्हारा डर मिटाया ना, तो कम से कम थैंक्स तो बोलो। थैंक्स की उम्मीद मुझसे कभी मत करना, कभी जरूरत पड़े तो तुम्हारी मदद जरूर कर दूंगी। ए, चल अब यहाँ से। हाँ, आया आया। हाँ, क्या कहा? हेल्प पाशा। हाँ आया बॉस, आया बॉस। बाल रेड्डी का जितना भी इलीगल धंधा है उसने अपने साले को संभालने को दिया। बाल रेड्डी की पत्नी के बारे में बोले तो वो एक अच्छी हाउसवाइफ है। उषा जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज से हमने पता लगाया कि उषा बहुत अच्छी लड़की है। उषा और संदीप दोनों बहुत अच्छे लवर थे, उन दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए अलग होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने उन लोगों का पूरा कॉल डाटा चेक किया है सर। अगस्त 22 से लेकर 24 तारीख के बीच उषा, संदीप, बाल रेड्डी, सत्या, इन तीनों के बीच में एक लिंक है राकेश। सत्या का बहुत ही खास आदमी है सर ये, इसलिए हमें लगता है कि हमें इसे ही टारगेट करना चाहिए सर। बाल रेड्डी को मुख्यमंत्री बनना है सर, इसलिए दिल्ली को हिलाने वाले विजय सिंह की बेटी के साथ अपने बेटे संदीप की शादी कराना चाहता है सर। लेकिन उसका बेटा उषा से प्यार करता है और उषा को रास्ते से हटाने के लिए बाल रेड्डी एंड को ने उषा की हत्या कर दी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जिस दिन बाल रेड्डी दिल्ली से आया उसी दिन उषा पर हमला हुआ। उषा पर हमले से एक दिन पहले सत्या के खास आदमी राकेश की सत्या के साथ फोन पर बहुत बात हुई है। और तो और जब हमने राकेश के फोन डिटेल्स चेक किए, हर एक दिन सुबह दोपहर शाम रात उन दोनों के बीच बस एक ही बात होती थी, एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ को लेकर। हमने इस हाउसवाइफ के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला। इस हाउसवाइफ का इस केस के साथ क्या संबंध है कुछ पता नहीं, और यहीं पे हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दी। एड्रेस क्या है? मियापुर रोड नंबर 25 सर। कौन है? डीसीपी रुद्रा। आइए साहब बैठिए। तुम्हारा राकेश से क्या लेना देना है? अरे कुछ भी नहीं है सर, हमारी फैमिली से उसका कोई लेना देना नहीं। जब राकेश हमारे पास था तो उसे अच्छा लड़का समझकर उसे 5 लाख रुपए दिए थे ब्याज पर। ये मेरी बेटी दीपिका है,
वो 5 लाख रुपए हमने इसी की शादी के लिए बचा के रखे थे। हमारी बेटी की शादी के लिए पैसे लौटाने को कहा तो। ए बुड्ढे। बेटा बेटा छोड़ दो। मैंने पैसा लिया ये बात तुमने सबको बता दिया तो ठीक है, लेकिन पुलिस को बताएगा तो ठीक नहीं होगा। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी की शादी तय हो गई, अब हमें पैसों की जरूरत है। हमें ब्याज नहीं चाहिए, हमारे पैसे लौटा दो। अरे ब्याज छोड़ो, असल भी नहीं दूंगा। मेरे बैंक में नो आउटगोइंग, ओनली इनकमिंग। और हाँ, पैसा नहीं है तो बेटी की शादी के बारे में क्यों सोच रहे हो? मुझे दिया हुआ पैसा दहेज समझ ले। इतनी खूबसूरत लड़की की शादी मुझसे ही करवा दे। मोहरत तुम निकालो, कार्ड मैं प्रिंट करवा दूंगा, बैंड बाजे का काम तुम देखो, इसे सवारने का काम मैं देख लूंगा। सासू माँ, ससुर जी को शादी का काम समझा दो। अपनी बेटी को थोड़ा तमीज सिखाओ, प्यार से मानी तो अच्छी बात है, वरना दूसरा तरीका अपनाऊंगा। तब से वो रोज घर आकर सताता था, अभी थोड़े दिनों से नहीं दिख रहा है, मगर सुबह से लेकर सोने तक वो दिन में 1000 बार फोन कर कर के शादी करने के लिए धमकाता। आप घबराइए मत, राकेश के बारे में आप भूल जाइए, वो ना ही आज से आपको फोन करेगा और ना ही आपके घर आएगा। पाशा, ये लीजिए, अपनी बेटी की शादी करवाइए। ये दीपिका, इसे अपने बड़े भाई का गिफ्ट समझो। शुक्रिया। नमस्ते। क्यों रेसीबी साहब, आइसक्रीम खाने आए हैं? तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए? तुमसे एक जरूरी काम है। और एक आइसक्रीम देना। रहने दो। अचानक मुझसे क्या काम आ गया? हमेशा दिमाग गर्म ही रहता है ना, आइसक्रीम खा लोगे तो कूल हो जाएगा। कूली बताने वाली बात नहीं है, जो कह रहा हूँ उसे कूली सुनो। एक मिडिल क्लास फैमिली है। ये सब जानकर भी आपने क्या एक्शन लिया? क्या करूँ बताओ, डीसीपी होने का मतलब चुपचाप बैठना नहीं होता, उन्हें सबक सिखाना होगा। इसीलिए तो तुमसे काम है। बताओ मैं कैसे मदद करूं? उस राकेश को दीपिका बनकर फोन करो, किसी तरह उसका एड्रेस पता करो, उसके बाद हम सब संभाल लेंगे। हेलो, सारा एक्शन तुम अकेले करोगे? मुझे भी इन्वॉल्व करना होगा, तभी मैं फोन करूंगी, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारे बिना कैसे होगा, गिव मी योर फोन। ओके। रिंग हो रही है। ये गौरी कौन है? कोई लड़की ही होगी, फोन उठा के बात करता हूँ। हाय गौरी। फ्रेंड फ्रेंड बोलो उसे। ओके ओके, मैं दीपिका बात कर रही हूँ। मैं दिखता हूँ गली का गुंडा, लेकिन स्मार्टफोन यूज करता हूँ। ट्रू कॉलर से तेरा नाम आया है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, इसलिए फ्रेंड के मोबाइल से बात कर रही हूँ। मैं दीपिका ही हूँ, मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी। दीपिका रुको रुको, तुमने फोन क्यों किया मुझे? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? मुहूर्त में आकर मंगलसूत्र बांधने के लिए? फिलहाल वो मुहूर्त नहीं निकला है। तो फिर? तुमसे मंगलसूत्र बंधवाने की मेरी इच्छा नहीं है, और मेरे माँ बाप भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों रे, सडनली तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? डैडी ने तुम्हें दिए हुए पैसे माफ कर दिए। लेकिन याद रख, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तू नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए मैंने फोन किया है। तेरी हर मुराद मैं पूरी कर दूंगी, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे। ठीक है, कब कहाँ? बोलो अभी, इसी वक्त। ओके, तुम जब बोलोगे तब, जहाँ बोलोगे वहाँ। अरे वाह, मुझे खुशी है कि तुम भी उतनी ही बेकरार हो जितना मैं। आज मजा आएगा, तू जल्दी से यहाँ आ जा। कहाँ आना है? ओके, लेट्स गो। We'll be right back.
लड़कियाँ कितनी फॉरवर्ड हो गई हैं। कसम से मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझसे मिलने यहाँ तक आएगी। जब तू यहाँ तक आई गई है तो चेहरा भी दिखा दे। Don't move. पुलिस को तू अपने साथ लेकर आई है और अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसका गला काट दूंगा। राकेश ये मेरे साथ है, अगर इसे एक भी खरोच आए तो सारी गोलियां तेरे शरीर में उतार दूंगा। रुको, इसने मुझे पकड़वाया तो इसकी जान भी मेरे साथ जाएगी। अगर तूने सरेंडर किया तो जेल जाएगा, वरना तुझे यहीं पर ढेर कर दूंगा। गो कैच हिम। कहां तक भागेगा बे? पुलिस से पंगा लेकर भागेगा? पाशा, हाँ बॉस। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, तो खुद जाकर इसे घर तक छोड़ के आ। मैं अकेली जा सकती हूँ, मेरा नाम गौरी है, डॉटर ऑफ मिलिट्री। आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। चलो ले चलो इसे। ओके सर। तुम समझ के जाना। हाँ मूव। गरीब लोगों के लिए घर बनाएगा कहता है और बहुत पैसा वसूल करता है। व्हाइट राशन कार्ड बनाएगा कहता है और ब्लैक मनी से धंधा करता है। कहता है आपको फ्री में राशन देगा और इसी काम के लिए वो कॉर्पोरेट से पैसा ले लेता है। स्वास्थ्य कार्ड को भी अस्वस्थ कार्ड बना दिया है। आपको छोटा शॉप देकर खुद के लिए माहौल बना रहा है, बड़े बड़े वाइन शॉप खोल रहा है। एक मेहरबानी करके उसका प्रचार करके आप गरीबों का वोट छीन कर इस राज्य में भ्रष्टाचार फैला रहा है। अगर तुम लोग नहीं बदले तो उसके कदम कभी नहीं रुकेंगे, तुम लोगों का जीना दूभर कर देगा वो। इस अन्याय के युद्ध को लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो? जवाब दो। हाँ, ये हुई ना बात। हेलो। हाँ क्या कर रहे हो? क्या कहा? ये बात है। ओके मैं देखता हूँ। कोई हरी अप, जल्दी चलो जल्दी। तुमने राकेश को पकड़ा है, ये बात उस बाल रेड्डी को पता चल गई है। हेलो हेलो सर, कैसे पकड़ा गया वो? वो तो अंडरग्राउंड हो गया था ना, उसे बाहर आने के लिए किसने कहा? अरे कोई काम होगा तभी बाहर आया होगा, वरना उसे मरने का शौक थोड़े था। सवाल ये है कि रुद्रा को ये बात कैसे पता चली? रुद्रा को बाद में देख लेना, पहले उस राकेश को खत्म करो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे। वो लोग जिस रास्ते से उसे ला रहे हैं उसे रास्ते में ही खत्म कर देता हूँ। अभी अगर उसे कुछ भी हुआ तो इल्जाम सीधा तुम पर आएगा, ऐसा करना भी ठीक नहीं होगा। तो फिर उसे ऐसे ही छोड़ दे क्या? मैंने कब कहा कि उसे ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन ये काम तुम्हारा आदमी ना करे। माणिक्य को फोन करके उसे स्पॉट बता दो बस, तो वो सिर्फ राकेश को ही नहीं मारेगा बल्कि उसकी गाड़ी तक को तबाह कर देगा। इसमें राकेश तो डेफिनेटली मारा जाएगा, रुद्रा की टीम भी कमजोर हो जाएगी, बोल देंगे ये काम नक्सलाइट का है। ए, ला फोन दो। सर कान खोल कर अच्छी तरह से सुन लो, सिटी के बाहर रुद्रा की टीम आ रही है, तुम बम लगा करके सबको उड़ा दो, एक भी नहीं बचना चाहिए। मिस हो गया तो तुम भी मिस हो जाओगे। मिस नहीं होगा। अब ये काम जल्दी करो, गलती ना हो। आधे घंटे में काम फिनिश हो जाएगा। हेलो हेलो
शंभू सर, मुझे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। शूट करना पड़ा। जब भी मैं कोई केस हाथ में लेता हूं तो मेरी पर्सनालिटी सिंसियरिटी दिखाती है। अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो पर्सनालिटी चेंज, मैं पूरा वाइल्ड हो जाता हूं। और मुझे कोई मारने की कोशिश करे तो पर्सनालिटी फुल चेंज, अपना पावर दिखाता हूं। अभी तक उस बाल रेड्डी ने मुझे सिर्फ एक मामूली सा पुलिस ऑफिसर समझ रखा था। अब इस पुलिस ऑफिसर का पावर क्या होता है उसे पावरफुली समझाऊंगा। शाबाश रुद्रा, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। पनिश हिम। Hey lawyer, वो रुद्रा बच गया है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ। होना क्या है, जान प्यारी होगी तो वो खुद ही भाग जाएगा। जीना नहीं चाहता होगा तो यहाँ आने की गलती करेगा। आर्मी ऑफिसर पुलिस यूनिफॉर्म में दिख रहा है, कौन है ये? यही है रुद्रा। डर कर यहाँ आया है या फिर हमें डराने के लिए यहाँ आया है? थोड़ी देर रुक जाओ, वो खुद ही बता देगा। हाँ रुद्रा बैठो। हाँ बैठो ना यार, मैं सोच ही रहा था कि तुम जैसे पुलिस ऑफिसर को पार्टी देनी चाहिए, लेकिन टाइम कहाँ है, इलेक्शन का समय है ना। शेर को खरगोश ने पार्टी के लिए नहीं बुलाना चाहिए, जान का धोखा हो सकता है। लॉयर, ये कहाँ का रहने वाला है? नेलूर का। नेलूर का? वो तो अपना ही गांव है, हम दोनों एक ही गांव के भाई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह मेरा घर है, उसी तरह गुनेगार के लिए हर जगह जेल है। रुद्रो, किससे बात कर रहा है जानता है तू? तुम्हें पता है मेरी पोजीशन क्या है? दिल्ली में मेरे 4 फ्लैट्स हैं। बेच दो। बहुत सारी जमीन है। दान कर दो। करोड़ों रुपए हैं। बांट दो, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तू यहाँ पर आखिर आया क्यों है और तुझे क्या चाहिए? इंसाफ, अन्याय पर न्याय की जीत चाहिए। कोर्ट ने तुझे बरी कर दिया लेकिन इसे कुछ नहीं बदलता। तूने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर अटैक करवाया। अटैक? तेरे ऊपर अटैक करवाने की मुझे जरूरत क्या पड़ी है? राकेश। कौन है वो? वो एक गली का गुंडा है। हाँ वही गली का गुंडा, वही अब इस केस का रुख बदलेगा। और अगर उसे कुछ करने का सोचा तो अंजाम और भी। रुद्रो, जानता तू किसे बात कर रहा है? अभी मैं पावर, तेरा पावर सिर्फ 5 साल के लिए, मेरा लाइफ टाइम। कहना क्या चाहता है तू? संदीप कहाँ है? संदीप क्यों, कोर्ट का फैसला आता ही वो फौरन चला गया। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ जनगणना करने आया हूँ कि तू जो कहेगा मैं लिख लूंगा? मुझे पता है कि संदीप यहीं कहीं छिपा है, बेहतरी इसी में कि उसे तू मेरे सुपुर्द कर दे, वरना मुझे तेरा भी इंटरोगेशन करना पड़ेगा। दिल्ली फोन करके 1 घंटे के अंदर तेरा ट्रांसफर ऑर्डर तेरे टेबल पर होगा। वो 1 घंटा भी तेरी आरती उतारने के लिए काफी है, जेल जाने के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दे तू। जीजा जी,
आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आखिर वो चीज क्या है? वो मतलब कौन चीज है जी? अरे वही डीसीपी। वो रुद्रा क्या? वो रुद्रा सिर्फ रुद्रा नहीं है, बहुत बड़ा डेंजर है, डेंजर। उसे देखा तो दिल में घबराहट हो रही है, उससे बात किया तो उसने मेरी बोलती ही बंद करवा दी। आखिर कब तक सहूंगा उसे? आप पावर में है तो उससे डर क्यों रहे हैं जीजा जी? आज तक मरने से मैं नहीं डरा, लेकिन जब से उसे देखा है मैं डर के मर रहा हूँ। चलो जीजा जी, मैं आ रहा हूँ। चलो बाहर चलो। एक प्लान फेल हो गया तो आप इतना डर क्यों रहे हैं जीजा जी? वो शंभु प्रसाद के वजह से वो बच गया, वरना इस वक्त उसकी चिता शमशान में जल रही होती। इस बार प्लान बनाएंगे, पक्का प्लान बनाएंगे, मार देंगे उस कमीने को। इस बार प्लान फेल हुआ तो हम सबकी जिंदगी फेल हो जाएगी। ये वकील का भेजा नहीं है जीजा जी, क्रिमिनल का भेजा है। एक मास्टर प्लान बना रहा हूँ जीजा। पहले प्लान तो बता मुझे। हाँ बताता हूँ। आजकल वो शंभू प्रसाद स्लम एरिया में घूम रहा है, जो हमारा इलाका है। हेलो, कल वो जिस एरिया में रहता था ये जानकर उषा मर्डर केस में हमें एक सबूत मिला है। ऐसा बोलकर उस एरिया में रुद्रा को बुलाते हैं, वही बम लगाकर दोनों को उड़ा देंगे। शाबाश साले, तू किसी तलवार से कम नहीं है। शंभू, तेरा आदमी पकड़ा गया। प्लीज सत्या, प्लीज। शंभू, तू हमारे खिलाफ काम करेगा तो तुझे क्या लगता है हम चुप रहेंगे? तूने अपने आदमी को मेरा आदमी बना के बहुत बड़ी गलती की, इसी की बदौलत तू हमारा प्लान जान पाया। लेकिन अब तू क्या करेगा? ये हमारे बीच हमारा आदमी बनकर हमारा ही नमक खाकर हमें ही धोखा दे रहा है। इस गलती की कोई माफी नहीं है, अब इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। प्लीज ऐसा कुछ मत करो, डोंट किल हिम प्लीज। मेरे जीजा जी से इसे माफी मांगने के लिए कहो, उसके बाद शायद इस पे तरस खा के मैं इसे माफ कर दूं। इसे छोड़ क्यों रहा है रे तू? रुकिए जीजा जी। सर, उत्तम उत्तम, उन्हें कैसे भी रिक्वेस्ट करो, आपको मेरे लिए इनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है सर। ये देश को बेचने वाले देशद्रोही है सर। इनके पैर पकड़कर माफी मांगने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूंगा। उस फैमिली का पैसा मैं लौटा देता हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए। जिन पैसों की तो बात कर रहा, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ए, तेरे छुट्टे पैसों के लिए हमने इतना तामझाम नहीं किया है, हमें एक मुर्गा नहीं चाहिए, पूरा पोल्ट्री फार्म चाहिए। सत्या के लिए तू क्या क्या करता है बता। कौन सत्या सर? बाल रेड्डी का साला सत्या। मैं किसी सत्या को नहीं जानता। इसकी तो तुझे पकड़ने की जगह वहीं ठोक देना चाहिए था, तुझे यहाँ बांध के रखा है तो तेरे समझ में नहीं आ रहा। बॉस आप बोलो, इसे यहीं ठोक दूं क्या? बताता हूँ सर, बताता हूँ। चल बोल बोल। किसी को भी धमकी देना, मारना, पैसे वसूल करना यही काम करता था सर, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे छोटे मोटे कामों के अलावा कुछ नहीं सर। अगस्त 22 से 24 के बीच में फोन करके सत्या ने तुझे क्या बताया? आज से 3 महीने पहले एक बिल्डर को फोन करके धमकी देने को कहा था सर, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा था सर। ये ऐसे नहीं मानेगा बॉस, इसे खत्म कर देते। बोलता है कि नहीं? नहीं बताता। बोल, चल। बताता हूँ सर। सच बोल। एक दिन सत्या फोन करके मदीनागुड़ा में रहने वाली एक लड़की का नाम और पता बताया था। लड़की कौन थी बोल? उसका नाम संध्या है, वो मदीनागुड़ा में रहती है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता सर। सत्या ने उसके साथ क्या किया? नहीं जानता सर। उसी लड़की को किडनैप करने की कोई खास वजह? सच में मुझे कुछ नहीं पता है सर। उस एरिया के पुलिस स्टेशन के SI ने संध्या नाम की लड़की मिसिंग हुई ऐसा कंफर्मेशन दिया सर। वो एक हाउसवाइफ, एक नॉर्मल हाउसवाइफ से सत्या को क्या काम था?
मैंने बताया ना सर, सच में मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं पता है सर। क्या है उसमें? खाना है, पराठा, पराठे के साथ भाजी, राइस, राइस के साथ दाल और दही। पाशा मेरा खाना लेने गया है। पाशा क्या लाएगा मैं जानती हूँ। बोतल और बोतल के साथ सोडा। जबान बहुत चलती है तुम्हारी। हेलो, आप हमारे घर में नहीं रहते लेकिन हमारे घर के ऊपर रहते हो। आप रोज क्या खाते हो हमें नहीं पता, मगर इस टाइम क्या खाना चाहिए ये मुझे अच्छी तरह पता है, इसीलिए लेकर आ गई। मुझे पसंद नहीं है। ओ सर जी, मैंने मेहनत की है बनाने में, अब इन बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, चलो खाना खा लो। तुम डिनर करोगे तभी मैं जाऊंगी। तुम्हारे जॉब में रिस्क है ये मैं जानती हूँ, अगर तुम्हें कल कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होता, मेरे लिए रोज की बात है ये। अच्छा बताओ, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है ठीक है, लेकिन शादी के बाद? मेरी शादी की छोड़ो, तुम्हें जब कोई लड़का देखने आता है तो तुम उसे क्यों भगा देती हो बताओ जरा? तुम्हारे लिए वो मजाक होगा लेकिन कभी अपने माँ बाप के बारे में भी सोचा करो, ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, शादी नहीं करनी है क्या? मुझे शादी से कोई शिकायत नहीं है, पर वो लड़के मुझे पसंद नहीं थे। माँ बाप को पसंद है पर तुम्हें नहीं, क्यों? मेरे कुछ अपने रीजंस हैं इसीलिए। क्या मतलब? माँ बाप का सपना होता है कि बेटी ससुराल में हमेशा खुश रहे, उनकी कमी उसे ससुराल में कभी महसूस ना हो, लेकिन जो लड़के मुझे देखने आ रहे हैं उन्हें सिर्फ मेरी दौलत से प्यार है, मेरी खुशियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। मैं किसी अरे गले से शादी करके अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती, इसीलिए जो भी आता है मैं उसे भगा देती हूँ। I like it. आहा, चलो मेरी कोई बात तो इसे पसंद आई। लॉयर, उस कमिश्नर से बात करो, उस राकेश को कहाँ छुपा कर रखा है ये पता करो। इस बीच मैं दिल्ली जाकर अपने पार्टी प्रेसिडेंट से मिलकर होम मिनिस्टर से बात करवाता हूँ और इस केस से रुद्रा को हटवा देता हूँ। जल्द से जल्द सीएम बनने के लिए मेरा नाम अनाउंस करवाओ। ओए साले, पिंजरे में रहने वाले शेर को आसानी से मार सकते हैं लेकिन घायल शेर को छुपकर मारना चाहिए, और शिकार करने वाले शेर को मारने के लिए समय और नसीब दोनों का साथ होना जरूरी है। और तब तक तुम सब्र रखो, संभल कर रहना, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल जीजा जी। बाल रेड्डी, तुम्हारा टाइम अभी खराब चल रहा है, ऐसे टाइम में तुम्हें हाई कमांड को सीएम पद के लिए रिकमेंड करना मुश्किल होगा। वैसे प्रेजेंट सीएम में भी कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन वो डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दे रहा है और तुम्हारे बारे में कंप्लेंट पे कंप्लेंट आ रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता। विजय साहब, एक बार होम मिनिस्टर को फोन करके इस केस से डीसीपी को हटा देने का रिक्वेस्ट करते तो। कैसे करूँगा, हम लोग ऑपोजिशन में हैं। इतना ही नहीं, अपनी बिगड़ी हुई इमेज को वापस सुधारने के लिए हाई कमांड सर पकड़ कर बैठा हुआ है, तो ऐसे हालात में। ठीक है ठीक है, मुझे क्या करना है मुझे पता है, एटलीस्ट अपॉइंटमेंट के लिए तो ट्राई कीजिए। ऐसे हालात में भी प्रॉब्लम तो मुझे होगी, मुझे छोड़ दो भाई। आपने जो वादा किया था हम दोनों के बच्चों की शादी के लिए। सुनो बाल रेड्डी, पहले हालात थोड़े कंट्रोल में थे लेकिन अब तो तुम पूरा जमीन में धस चुके हो, तो मुझे अपना वादा भी तोड़ना पड़ेगा। मेरी बेटी अब तुम्हारी बहू नहीं बन सकती, अब तुम जाओ बाल रेड्डी। ये फोन दो। जीजा जी, दिल्ली क्या कह रही है, गुड न्यूज है ना? बैड न्यूज है साले साहब, अब मेरी राजनीतिक जिंदगी खत्म होने वाली है, और रुद्रा उसने हमें बता दिया वो क्या चीज है, अब हम उसे बताएंगे कि हम क्या है। शिट, तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, पर या तो वो इस केस को छोड़ेगा या फिर ये दुनिया छोड़कर इसे जाना होगा। वो बात मुझ पे छोड़ दीजिए जीजा जी, आपके दिल्ली वापस आने से पहले से खत्म कर दूंगा। क्या हुआ बस? उस रुद्रा को अपना आतंक दिखाने का समय आ गया है,
वो कहाँ मिलेगा पता करो। आई इसके ऑफिस में निगरानी रखिए, वो एक दिन भी काम पर नहीं आया। उसे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन करे तो क्या करे। अंडरग्राउंड हुए राकेश को उसने पकड़ा है, उसकी कोई तो मदद कर रहा है। आखिर ऐसा कौन हो सकता है, कौन है जिसे अपनी मौत का खौफ नहीं है, मुझे बताओ। भाई आजकल वो एक मिडिल क्लास फैमिली के घर बहुत आता जाता है। ए, गाड़ी निकालो। हेलो। हेलो रुद्रा, कॉन्ग्रेट्स। किस लिए सर? फॉर योर एफिशिएंसी एंड योर डिसिप्लिन। उस बाल लड्डी को तुम्हारा डर सताने लगा है। जानते हो तुम्हें वो इस केस से हटाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। सेंट्रल की पार्टी को अपनी पार्टी की तरफ से धमकी देने की बहुत कोशिश की उसने, कुछ हुआ नहीं। आखिर में उसकी पार्टी वाले ने उसे ठेंगा दिखा दिया। सर जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो अपनी स्टाइल और अपना ही प्रोसीजर बनाकर चलता हूँ। अगर मुझे हटाना चाहा तो मेरा प्रोसीजर उस हटाने वाले को ही हटा देता है सर। ट्रांसफर होने दीजिए या सस्पेंशन होने दीजिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं रुकने वाला नहीं हूँ सर। फैंटास्टिक, यू आर ए डायनेमिक रुद्र, कीप इट अप। ठीक है सर। मुझे याद कैसे किया? ए, मिनिस्टर बाल रेड्डी का साला बोल रहा हूँ। तुम्हारे ही भाषा में तुम्हें समझाने के लिए फोन किया मैंने। क्या हुआ, मैंने फोन किया तो तुझे शॉक लग गया क्या? तूने अपने कस्टडी में राकेश को छुपा रखा है ना? इसलिए मैंने भी उन लोगों को ढूंढा है जो तेरी मदद कर रहे थे। आरा तीछा, मियापुर, रोड नंबर 25, मिडिल क्लास फैमिली। शादी के लिए पैसा दिया था ना, मैंने उसके साथ सुहागरात मना लिया। सत्या। हाँ सत्या ही बोल रहा हूँ। सुन, जल्दी उस फैमिली के पास जा, उन्हें तेरी बहुत जरूरत है। बॉस मुझे कुछ बताए बिना कहाँ जा रहे हैं? बॉस, बॉस सुनिए, बॉस। हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई। मेरी बेटी, ये क्या कर डाला उसके साथ? बेटा, कितना मेरे पीने के बाद कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। इसके साथ ये क्या हो गया? मेरी तो एक ही बेटी थी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो लोग कौन है मैं जानता तक नहीं, मेरी बेटी को उन्होंने मार दिया। भाई वो वहाँ है। ए, चलो रे। ए, बुड्ढे। गई, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब तो दो। यही वो लड़की है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ आए क्यों? तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, मैं अपना काम निपटाता हूँ, तुम लोग इन्हें संभालो। छोड़ से आपका एक और बेटा है और वो मैं हूं। हेलो पाशा, तुम्हारा बॉस फिनिश। जानता है राकेश के बारे में पता कर तुम्हारी मदद करने वाली दीपिका का मैंने किडनैप किया है। उसे छुड़ाने के लिए दरगाह के पास वाले पहाड़ में मैं बैठा हूँ, तू आएगा? वहीं पर मजबूर बैठी हुई दीपिका को तू देखना चाहेगा? अगर उसके पास गया, बचाने की कोशिश की तो बूम बूम ब्लास्ट कर दूंगा। ए, बम मिस हो जाएगा, लेकिन मेरा टारगेट कभी मिस नहीं होता है। बॉस, बॉस, जल्दी बैठो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बॉस
वही है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोल। अगर उन लोगों का दुख कम हो गया हो तो तेरे लिए दूसरा गिफ्ट रेडी रखा है। सत्या इलामत, तेरे बचपन का दोस्त जो आज तक तेरे साथ था उसको। बादशाह को तू तो बहुत शार्प है रे। सीधा दरगाह के पास वाले पहाड़ में उसे जाकर ढूंढ और उसके अंतिम यात्रा की तैयारी कर ले। ए, क्या किया उसके साथ? पाशा, पाशा क्या हो गया तुझे? बॉस, आपको कुछ नहीं हुआ ना? मुझे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तुझे कैसे ढूंढा पाशा? सत्या ने मुझे फोन करके कहा कि उसने आपको मार दिया है। मैं आपको बचाने के लिए आया तो उसने पीछे से मुझ पर वार किया। चल 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 हॉस्पिटल चलते हैं। पाशा तुझे कुछ नहीं होगा। मेरी एक बात मानोगे? क्या है बोल। जिसने मुझे धोखा देकर मारा है उसे जिंदा मत छोड़ना। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आपसे एक वादा भी चाहिए बॉस। क्या? आप उस डॉटर ऑफ मिलिट्री से शादी शादी करेंगे? वादा कीजिए। शादी? तुझे कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख पाशा। ए सत्या। ए रुद्रा, मेरा गिफ्ट मिला तुझे? तुझे दुख हो रहा है या डर लग रहा है? तू मुझसे डर रहा है? मैं क्यों तुझसे डरू रे? तुझे अपने बिल से बाहर निकाल कर तुझे खत्म करने के लिए ही ये गेम स्टार्ट किया है मैंने। तुझे क्या लगा मैं तुझे अरेस्ट करूंगा? तेरा तो एनकाउंटर होगा। सांप के काटने से कोई बच सकता है, शेर के पंजे से कोई बच सकता है, लेकिन मेरे वार से बचना टोटली इम्पॉसिबल। नो चांस। तेरे पास ही आ रहा हूँ। आने से पहले तेरे लिए तीसरा गिफ्ट, एक ब्यूटीफुल गिफ्ट, मैं सामने आकर तुझे अपने हाथों से देता हूँ। बहुत बुरी मौत मरेगा तू। ऐसा है क्या? तो फिर राजा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोलिए सर। यू ऑल बेलाच। ओके सर। अनजान आदमी को देखते ही उड़ा देना। यस सर। कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। थैंक यू मिस्टर संदीप। ये तो मेरा फर्स्ट। ये कौन है? बाल रेड्डी का बेटा। बाल रेड्डी का बेटा? उषा को न्याय दिलाइएगा सर, मेरी बस इतनी। ओके चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो। पाशा, पाशा को क्या हो गया है? इसकी ये हालत किसने की? जैसा इससे मारा है उसका भी हाल ठीक मैं वैसा ही करूंगा। चलो गाड़ी में बैठो। तू तीसरा गिफ्ट देने वाला था ना? कहाँ है वो? किधर है वो गिफ्ट? अभी तक उसे लेकर नहीं आए क्या वो लोग? तेरी होने वाली भाभी को मारना चाहता है ये। तूने मुझसे उसकी सुरक्षा का वादा लिया था ना? अब तू देख वादे को कैसे निभाता हूं मैं। Yeah!
तू डरता नहीं है तो आ। ड्यूटी पर ही नहीं, डेड बॉडी में भी पुलिस की क्या पावर होती पता दे इसको। बता मेरे दोस्त, अपने जूते से मार इसको। शाबाश, चल उठ बे, उठ जा। अब बता, उस लड़की को किडनैप क्यों किया था? मुझे नहीं पता, मेरे जीजा जी ने कहा था वो लड़की चाहिए, ये बात मैंने राकेश से कहा। राकेश उस लड़की को ले गया, उसके बाद तूने क्या किया? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, जीजा जी ने जो जगह बताई थी मैं उस लड़की को वहाँ लेके चला गया, सच कह रहा हूँ। नमस्ते। कॉल कर उस डॉक्टर को, फोन कर। सत्या जी नमस्ते। हाँ हाँ, कहाँ हो? मैं अभी राधिका रेस्टोरेंट में हूँ। वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। कितनी देर में आएंगे आप? आता हूँ, मेरे आने तक तुम जाना नहीं। ठीक है सर। सर, सर। आदित्य सर, पाशा को लेकर चल। ओके सर। तू किसे फोन कर रहा है? अपने जीजा जी को। तू तकलीफ मत कर। सर, सत्या जी का फोन है। तो साले साहब, गुड न्यूज है क्या? बैड न्यूज बाला रेड्डी, तेरा साला मेरे कब्जे में। सर, स्टैचू क्यों बन गए? कहीं उनका साला मर तो नहीं गया? मर गया होता तो कुछ और होता, अभी तो शॉक में है। लगता है रुद्रा को सत्या मिल गया होगा। आपको क्या हो गया सर? क्या होना चाहिए था लॉयर, जो नहीं होना था वो हुआ। उस रुद्रा ने मेरे साले को अरेस्ट कर लिया है। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो सर? अगर टेंशन ना लू तो फिर जश्न मनाओ क्या? इन सब गड़बड़ की वजह तू है। मैंने कहा था ना वो रुद्रा हमसे पंगा लेगा, तूने कहा था जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो नहीं आएगा। तो देख लो, एक एक करके मेरे सारे लोगों को मारता जा रहा है। मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा सर, आप होम मिनिस्टर को फोन कीजिए ना। ओ मंत्री, डीसीपी रुद्रा ने मेरे साले को अरेस्ट कर लिया है। तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। हाँ, ये बात है। तुम और सीएम अगर ऐसे ही खामोश बैठे रहोगे तो कल वो मुझे भी अरेस्ट कर लेगा और तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम नहीं होगी, यही सोचकर चुप बैठे हो ना। तुम ऐसा क्यों सोचो बाल लड्डी, भूलो मत हम सब एक ही पार्टी के हैं। तुम्हारे घर में पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं और मेरे घर में रॉडी लोग, गुंडे लोग और राक्षस लोग रहते हैं। अगर आधे घंटे के अंदर मेरा साला मेरे घर में नहीं पहुंचा तो मैं इस राज्य को आग लगाकर राख बना दूंगा। रुको, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। ये आदमी पागल है, अगर इसने ऐसा कहा है तो ये जरूर करेगा। गुड इवनिंग सर। अरे क्या इवनिंग बाबा, हमारे राज्य में आग लगने वाला है। क्या हुआ सर? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? उस रुद्रा ने बाल रेड्डी के साले को अरेस्ट कर लिया है। ये तो खुशी की बात है सर। खुशी की बात तो है, लेकिन हमें थोड़ा खबरदार भी होना है। और उस रुद्रा को थोड़ा कंट्रोल करो। रुद्रा को? हाँ। उस गुंडे बाल रेड्डी ने अभी हमें धमकी दी है कि शहर में आग लगा देगा वो। ठीक है सर, मैं उसे रोकता हूँ। अगर अपनी ड्यूटी को जिस तरह से करोगे उसका असर हम पर होता है। सत्या को अरेस्ट कर लिया तुमने, उसे मेरे ऑफिस में तुम्हें 24 घंटे में हाजिर करना होगा, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। रुद्रा, जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो किसी से नहीं डरता हूँ सर। ड्यूटी तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी। मेरी नहीं तो क्या आपकी मर्जी से चलेगी? उसे नहीं पता है क्या तुम्हें? अगर तुम्हें किसी पर डाउट है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करके सबूत बताकर उसे फिर बाद में रिमांड पर लेना चाहिए ना।
वो आदमी पहले से ही मेरी कस्टडी में है। कोर्ट में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता सर। किसी को मैं नहीं बताना चाहते हो? तुम्हारे सीनियर ऑफिसर से अगर रिपोर्ट मांगी तो? मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं रिजल्ट दूंगा सर। हर एक गुंडे को पकड़कर आपके नियम के हिसाब से अलग अलग चार्जशीट नहीं बनाता, सबकी चार्जशीट एक साथ बनाता हूँ और केस क्लोज कर देता हूँ। ऐसी गलतियों से तुम्हें पता है क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है? बाल रेड्डी ने धमकी दी है तो होम मिनिस्टर ने घबरा कर कहा है कि सत्या को छोड़ दो। अगर केस फेल हो गया और हत्यारा भाग गया तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, लेकिन तब तक मैं एक ऑनरेबल आईपीएस ऑफिसर हूँ। मिस्टर रुद्रा, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। मैं लिमिट्स भी नहीं देखता और रूल्स भी नहीं देखता हूँ। रुद्रा, मुझे गुस्सा आता है तो मैं तुम पर निकाल सकता हूँ, तुम्हें गुस्सा आता तो अपने सबॉर्डिनेट्स पर निकाल सकते हो, लेकिन अगर बाल रेड्डी को गुस्सा आया तो वो पूरे शहर में हाहाकार मचा कर रख देगा। एक को गुस्सा आया तो तालुके में, दूसरे को आया तो जिले में, और तीसरे को आया तो राज्य में, और चौथे को आया तो पूरे देश में। क्या पूरे देश में आग लग जाएगी? मैं बाल रेड्डी की बीवी जान के बोल रही हूँ। रुद्रा जी, मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की। अगर आप चाहें तो मेरे पति को जरूर सजा दीजिए। रुद्रा आईपीएस, वर्दी में 3 स्टार मिल गए तो बहुत उस्ताद बन रहे थे। इंसाफ की जीत और धर्म की जीत ऐसा कहा था ना? क्यों? राउडी और गुंडों को गिरफ्तार करके इस बाल रेड्डी को हथकड़ी पहनाना चाहता था क्या? वो टाइम भी आने वाला है। अच्छा, तो अभी तुम्हारा टाइम है क्या? आप इसे कितना भी समझाओ, इसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। अभी तक तुझे सही गवाह नहीं मिला है, लेकिन तेरे पास जो राकेश है उसका मैं बंदोबस्त करता हूँ, अपने साले का भी बंदोबस्त करता हूँ। क्या बोला था, शेर को खरगोश के पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए। ये बाल रेड्डी अगर खेल में उतर गया तो तुम्हें छुपने के लिए अंडरग्राउंड में भी जगह नहीं मिलेगी, सीधा शमशान मिलेगा। हे रुद्रा, तेरी घड़ी में अभी मेरा टाइम चल रहा है। क्यों लॉयर? राकेश मेरे पास है, रख लो। अब मैं किडनैप केस बनाता हूँ। बना लो। हाँ। है, तेरे साले को अरेस्ट किया है मैंने। कर लो। जरा इसका चेहरा तो देखो, कैसा गुस्से में लाल पीला हो रहा है। कम करो, बम यहीं फट गया तो तुम्हें हिलने की भी जगह नहीं है, इससे ज्यादा और क्या करोगे? ए डीसीपी, तू क्यों हंस रहा है रे? संदीप मिल गया। है
हाँ जी बोलिए। संदीप घर में ही है ना? नहीं वो चला गया। अरे उसे बाहर क्यों जाने दिया? अरे मैं उसे क्यों भेजूंगी, उसके माँ उसे किसी शिव मंदिर में रुद्र पूजा करने के लिए लेकर गई है। हा? आपकी बीवी उसे आकर लेकर गई है? सर मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि उसका सीएम से भी ज्यादा नेटवर्क है। सर अगर उसे संदीप मिल भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और राकेश और सत्या तो वैसे भी किसी काम के नहीं है, असली गवाह तो आपके ही पास है ना। उस भोला को फोन करो। डार्लिंग तू मेरी जान है। मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ। तू नहीं तो और कौन है? ठीक है। अरे अब कौन है? अरे मालिक। ए, कहां है रे तू? मालिक मैं डॉक्टर के पास ही हूँ। डॉक्टर को जरा फोन दे। मालिक मैं थोड़ा पीने के लिए ऐसे ही बाहर आया हूँ। पीने के लिए बाहर आया या अपनी गर्लफ्रेंड के पास है? काम चोर कहीं का? मालिक मालिक मैं 10 मिनट में डॉक्टर के पास पहुँच जाऊंगा। जल्दी जाओ उस डॉक्टर को खत्म करके मुझे फोन करो। ठीक है मालिक। ए, मुझे जाना है। ए, जल्दी घर चल। बेवकूफ तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे क्यों किडनैप कर रखा है? उन्होंने बोला क्या होगा, तूने सुना क्या? अब सुन पाल रेड्डी जी को फोन कर। मालिक ने फोन किया था, तेरा टिकट काटने के लिए बोला है। ऊपर का लोगों की जान बचाने वाले, अब तेरी जान खतरे में। डॉक्टर कहता खुद को तू। सत्या ने संध्या नाम की लड़की को तुझे सौंपा था, क्या किया तूने उसका? पोस्टमार्टम के लिए उषा की डेड बॉडी हमारे हॉस्पिटल में आई थी। बेटे को रुद्रा के हवाले क्यों किया? वो आपका बेटा है, ये अभी आपको याद आया है? अपने बेटे को मैंने सेफली रखा था, उसे बाहर लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है, आपकी वजह से उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसे क्या होने वाला था? हाँ चाहता वो। देखो तुम बहुत उल्टी सीधे बातें करने लग जाओ। अपने इस हाथ को काबू करो। हर रोज मैं आप ही के बारे में सोचती थी, आप ही राजा बने हुए थे, लेकिन आज क्या हुआ? इतने सालों से बड़े नाजों से पाला हुआ आपका बेटा आपके साथ नहीं, बुरे कामों में आपका साथ देने वाला साला वो भी साथ नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल आपकी बीवी भी साथ नहीं होगी। तू अपने पति को छोड़कर जाएगी? चल जा। राज्य का इतना बड़ा नेता बाल रेड्डी, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाला बाल रेड्डी वो तो जिंदा है, लेकिन मेरा पति बाल रेड्डी कब का मर चुका है? आप बदलोगे ये सोच कर? इतने सालों से इसे गले में पहने हुए हूँ, लेकिन आज ये तय हो गया है कि आप बदलने वाले नहीं है। अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। बाल रेड्डी जी। अरे छोड़ो इसे, जाने दो, इसके रहने से फायदा भी क्या होगा? ए पीए फोन करके पता करो भोलाराम ने काम खत्म किया कि नहीं। आप ही कर लीजिए सर। क्यों लॉयर ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं अगर अब नहीं बदला तो मैं कभी इंसान नहीं बन पाऊंगा सर। क्यों रे, आफ्टर ऑल तू एक पीए ही है ना, मिनिस्टर से ऐसी बातें कर रहा है? हाँ सर मैं आफ्टर ऑल एक पीए हूँ, बट आफ्टर ऑल मेरा एक घर है और मुझे खाना देने वाली एक बीवी है, बच्चे हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। आप तो मिनिस्टर हो, आपके साथ कौन है सर? चलता हूँ सर। जा तू भी चला जा, तेरे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा क्या? लॉयर
उस भोला के नंबर पर फोन लगाओ। ये बात अगर आप चाहे तो मैं कोर्ट में भी कहने को तैयार हूं सर। हाँ फोन बज रहा है, बात करो। ए भोला राम, डॉक्टर खत्म हो गया क्या? दो खत्म होगा मार बेटी, डॉक्टर मिल गया है। अब क्या करें? अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मुझे भी अरेस्ट करेंगे। पहले जाकर मैं अपनी बेल का इंतजाम करता हूँ। अरे रुद्रा, तू यहाँ क्यों आया? तेरे लिए। मेरे लिए? मुझसे क्या काम है तुझे? उषा मर्डर केस। हाँ, वो कल बाल रेड्डी के साथ कोर्ट में आता हूँ तो वहाँ मिलेंगे। तुझे भी उन लोगों के साथ कोर्ट जो लेकर जाना है मुझे। मैं एक लॉयर हूँ। और मैं पुलिस वाला हूँ। मुझे उन लोगों के साथ कौन ले जाएगा? प्लान तू नहीं बनाया था ना? क्या प्रूफ है? रिकॉर्ड कर लिया है। उसका स्टेटमेंट क्या? नहीं, जब तू प्लान बना रहा था। नॉट पॉसिबल, तुझे कभी पता नहीं चल सकता कि मैंने क्या प्लान किया था। सेम एज सेम ब्लड ग्रुप जो उषा का था, ऐसी एक 3 महीने वाली प्रेग्नेंट लड़की को लाकर उसका डीएनए चेंज करवा दिया था मैंने, ताकि बाल रेड्डी को मैं बचा सकूं। यह रिकॉर्ड नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तभी हाल रिकॉर्ड किया है। चल गाड़ी में बैठ। हे लॉयर, तू यहाँ क्या कर रहा है? आजा बाल रेड्डी, तू भी यहीं आजा। अरे बताना, तुझे अरेस्ट क्यों किया? प्लान तो मैंने ही बनाया था ना, तो मास्टर प्लान वाले को तो पहले अरेस्ट करते हैं। तो एंटीसिपेटरी पे लेना चाहिए था ना? वो तो मैं अगले दिन लेने ही वाला था। लेकिन उससे एक रात पहले मैं घर पे बैठ कर कुत्ते की पूछ होती है ना, वो कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है। तुम्हारे साथ ही तो टेढ़ी हुई है। IPS की पावर क्या है ये तुमने बता दी। तुम जैसे ऑफिसर्स की सोसाइटी में जरूरत है। मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की, सोसाइटी को आपके जैसा लीडर चाहिए सर। रुद्र, तुम जैसा पावरफुल ऑफिसर मेरे साथ रहेगा तो मैं इस दुनिया को जीत लूंगा। यस।